धार जिले के धामनोद नगर की गुरुदत्त कॉलोनी से गत माह यानी 2 अप्रैल को माइक्रो फाइनेंस कंपनी से नगद 1,30,000 और 2 मोबाइल की लूट हुई थी, जिस पर शाखा प्रबंधक फरियादिया राधा पिता मांगीलाल वर्मा ने थाना धामनोद आकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताए गए कि जब वह बैंक में काम कर रही थी तब दोपहर करीब 3 बजे 3 अज्ञात व्यक्ति बैंक के अंदर आए और फरियादिया व उसके सहकर्मी को चाकू की नोक पर डरा धमका कर बैंक से 1,30,000 रुपये और 2 वीवो कंपनी के मोबाइल लूट कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए धामनोद पुलिस ने अज्ञात 3 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। अचानक दिन दहाड़े अज्ञात आरोपियों द्वारा बैंक में की गई लूट से स्थानीय जनता में भय व दहशत का माहौल उत्पन्न हो रहा था। मामले की गंभीरता व सनसनीखेज प्रकरण होने से अज्ञात आरोपियों की पतारशी व लूटे गए मशरूका की बरामदगी हेतु टीम लगाई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशादेही पर लूट के मशरूका में से कुल 30,000 रुपए जब्त किए हैं। धामनोद पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को उक्त अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर अन्य चोरी व लूट की घटनाओं के बारे में पूछताछ की जाएगी। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। सर, कुछ दिन पहले माइक्रो फाइनेंस बैंक में लूट की घटना हुई थी, तो कितने आरोपी थे सर, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या पूरा मामला है? हाँ, इसमें घटना हुई थी, इसमें 3 आरोपी हैं मेन। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में श्रीमान SDOP महोदय के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की थी, जिसमें लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि इस लूट को ट्रेस करना है। तो इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच प्रभारी श्रीमान त्रिलोक सिंह बेस एवं टीम के साथ हमने लगातार लगे हुए थे कि इस लूट को ट्रेस किया जाए। इसी तारतम्य में आज 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिससे लूटा गया मशरूका व जो आला जराब यूज़ किए गए थे, चाकू व रॉड जब्त की जाना शेष है। आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, पुलिस रिमांड लेकर अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछताछ कर जल्द ही खुलासा करेंगे। सर, क्या कितनी चोरी की, पूरे कितने लाख की चोरी की थी? टोटल करीबन 2 लाख के समथिंग का मशरूका गया था एवं दोनों कर्मचारियों के मोबाइल भी गए थे, तो मोबाइल और कुछ रुपये बरामद कर लिए गए हैं और मशरूका व अन्य अपराधों के मशरू के बारे में भी पूछताछ कर बरामद किया जाएगा। सर, इन आरोपियों की कोई पुरानी और वारदात है क्या, कुछ मामले हैं? हाँ, एक आरोपी पकड़ा है हमने, अजय पिता विक्रम ओसारी, जिसका मानपुर थाने में 302 के अपराध में ये सजायाबी है। पिछले 5 साल से जेल में था, अभी 3-4 महीने पहले ही जमानत पर छूट कर आया है। और दूसरा आरोपी कमल पिता मोहन सिंह वास्केल, यह भी थाना मानपुर के हत्या के प्रयास में पिछले 2-3 साल से जेल में था, वो भी अभी 3-4 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया है। और इन लोगों ने, और एक अन्य आरोपी जो कि फरार है, मिथुन पिता सुखलाल, जो कि लालबाग का रहने वाला है, अभी हाल मुकाम बियावानी में रहता है, तो जो कि फरार है, जो कि मुख्य सरगना था इस अपराध को कारित करने में, जिसने रेकी की थी और उसी के माध्यम से इन दोनों को मिलाकर ये तीनों ही अभी 3-4 महीने से जेल से छूटे हुए हैं और लगातार शराब पार्टी और खाने पीने में अन्य घटनाएं कर रहे हैं। अजय एवं मिथुन ने उमरवन में भी बकरा चोरी की थी, जिसमें ये नामजद आरोपी हैं। ठीक, आपका नाम? सुशील यदुवंशी। कौन सी पोस्ट है सर? उपनिरीक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।